नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन चौधरी और मैं आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक वीडियो लेके आपके साथ। तो चलिए देखते हैं। चलिए आज हम हैं अपने भाई के साथ, इनका नाम है गुरमीत। तो आप अपनी हाइट बताइए जरा। 6 फीट। इनकी 6 फीट हाइट है और आप देख सकते हैं गाड़ी का लेग स्पेस कितना कितना काफ़ी है। ये भी बड़े कंफर्टेबल से बैठे हैं और हेडरूम देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है और लेग स्पेस भी बड़े आराम से बैठे हैं। वो आगे वाली सीट भी बड़ी है, देखा टोटा 80 काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी है। स्पेस के मामले में अगर आप में से चाहते हैं कि स्पेस के मामले में कोई गाड़ी मैं आपको प्रीफर करूँ इस रेंज में, तो टोयोटा आइडियोस से अच्छी गाड़ी नहीं होगी क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस है और काफ़ी कंफर्ट गाड़ी है। आपको चलाते हुए इतना कंफर्ट फील होगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि आप चलाते गाड़ी को लॉन्ग रूट पर ले जाकर आप थक रहे हो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा आपको, आप बिल्कुल रिलैक्स फील करोगे। ऐसी गाड़ी है टोयोटा आइडियोस। और साथ ही साथ मैं माइलेज की बात करता हूँ तो माइलेज भी इसका ठीक है, माइलेज भी आपको हाईवे मिल जाता है 21 KMPL और आपको लोकल मिल जाएगा 15 KMPL, 15 to 16, 18, मतलब वो हमारे चलान पे डिपेंड करता है लेकिन मैंने जो एब्जॉर्ब किया है हाईवे पे 20 से 22 तक का माइलेज मैंने इसको एब्जॉर्ब किया है विदाउट एसी। विद एसी जो माइलेज देती है गाड़ी वो 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर घट जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और दूसरी चीज़ इसका एसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वर्क करता है, मतलब अच्छा एकदम कूलिंग कर देता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो सारी चीज़ें मिला के देखी जाए तो सबसे बड़ी बात जो है मेन आती है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस अब देखा जाए तो टोयोटा आइडियोस का बहुत ही कम है क्योंकि इसके पार्ट आपको इजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप कहीं भी जाएंगे किसी भी शॉप पर जाके, जरूरी नहीं है कि आपको ये पार्ट एजेंसी मिले, आप कहीं भी जाके कोई भी पार्ट खरीद सकते हैं। तो इसका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो ये मत सोचिए कि टोयोटा का मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। टोयोटा आइडियोस का मेंटेनेंस बहुत ही कम है और सबसे बड़ी बात इसकी इंजन लाइफ इतनी अच्छी होती है कि आप यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा इसका इंजन चलता है टोयोटा का। तो इस रेंज में मुझे नहीं लगता कि हाँ, थोड़ा लुक्स वाइज आप कह सकते हैं किसी को पसंद आए लेकिन जो गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं वो थोड़े कम है इस रेंज में क्योंकि टोयोटा फीचर्स कम देती है, लेकिन बाकी अच्छी गाड़ी है, सब बढ़िया है गाड़ी का। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी आप चलाओगे तो आप गाड़ी को अच्छा फील करोगे, मतलब कंफर्ट फील करोगे। दूसरी बात, गाड़ी को अगर आप 100 से ऊपर भगाते हो, कुछ लोग होते हैं गाड़ी को 100 से ऊपर भगाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता 100 से कम चलाना। तो 100 से ऊपर जब गाड़ी जाने लगती है तो इस रेंज में काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो जिनका बैलेंसिंग अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस गाड़ी का बैलेंस बहुत ही अच्छा रहता है। आप 140 भगा सकते हैं, 160, 180, 160 तक मैंने भगाई है। तो आप मतलब बैलेंस में कोई मुझे ये नहीं लगा कि हाँ गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है या कुछ भी हो रही है। और गाड़ी आप देख लीजिए जो जैसे इस रेंज में डिजायर होगी, स्विफ्ट डिजायर होगी, तो वो गाड़ियाँ थोड़ा डिसबैलेंस होने लगती हैं, ये गाड़ी ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। तो हर चीज़ से आप देखिए आपको फायदा ही है इस गाड़ी को लेने से। तो मेरी तो सलाह ये रहेगी कि अगर आपको टोयोटा आइटियोस पसंद है तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए और ले लीजिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।